दोस्तों महाराजा हरि सिंह जी अमर रहे। समस्त कठुआ वासियों को, जम्मू कश्मीर वासियों को और भारत वासियों को महाराजा हरि सिंह जी के जो जन्मदिन के उपलक्ष्य पर जो छुट्टी एलजी सरकार ने घोषित की है, हम दिल की गहराइयों से उनका आभार प्रकट करते हैं। और इसके साथ साथ इसी क्रम में आज की जो प्रेस वार्ता का प्रोग्राम रखा गया है कठुआ के अंदर, इसमें समस्त पार्टियों से, समस्त बिरादरियों से, समस्त राजनीतिक दलों से, जितने भी लोग जो कठुआ एकता मंच का जिन्होंने साथ दिया है, चाहे वो धरना प्रदर्शन हो, चाहे वो प्रोग्राम हो, चाहे वो छुट्टी के लिए हमने कोई मेमोरेंडम देना था अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, अपनी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को, हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया एक बार फिर से अदा करते हैं। और इसके साथ साथ इसी क्रम में हम एक कड़ी कठुआ मंच, एकता मंच की ओर से एड ऑन करना चाहते हैं कि ये जो 23 सितंबर आने वाला 23 सितंबर है महाराजा हरि सिंह जी को जो छुट्टी हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, उनका बर्थडे, उसके उपलक्ष्य पर हमने सेक्रेट जो नहर है शहीद भगत सिंह पार्क, वहां से लेके रामलीला ग्राउंड तक एक पैदल यात्रा का, एक रैली का आयोजन किया है। मैं समस्त कठुआ वासियों से, समस्त शहर वासियों से ये अपील करना चाहूँगा, समस्त गाँव वासियों से ये अपील करना चाहूँगा, इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, बढ़ चढ़ कर महाराजा हरि सिंह जी का जो जन्मदिन है वो सेलिब्रेट करें। जय हिंद, जय भारत। जो हमारा पिछले दिनों एक कठुआ एकता मंच जो बना हुआ था उसके बैनर तले हम लोग जो हमारे महाराज हरि सिंह जी के लिए छुट्टी के लिए जो हम लोग जद्दोजहद की थी, धरना प्रदर्शन किया था या रैली की छेड़ने को रैली किया, तो सबसे पहले मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। जितने भी हमारे साथ राजनीतिक मंच के थे या सामाजिक कार्यकर्ता थे या अपने अपने धर्मों से जो प्रधान जो थे या जैसे कोई भी धर्म के जो हमारे साथ जो जुड़े थे, मैं इनका तहे दिल से बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हमारा मान सम्मान और अपना भी मान सम्मान जो इस छुट्टी के लिए जो बढ़ाया है। तो जैसे कि आपको बता दिया हमारे बड़े भाई साहब ने, पठानिया साहब ने, कि हमारा जो 23 सितंबर को फर्स्ट सेलिब्रेशन है महाराजा हरि सिंह की छुट्टी का, तो जो पिछले 70-80 सालों से डोगरों की मांग थी महाराजा हरि सिंह के लिए छुट्टी के लिए, तो एक पहली छुट्टी जो है इस साल 23 सितंबर को होगी। तो इस छुट्टी में हम लोग अपनी जो रैली की शेप में भगत सिंह पारा से लेके रामनगर सभा कठुआ तक जाएंगे और वहाँ पे हमारा प्रोग्राम होगा और जो हमारे वहाँ खाने की भी व्यवस्था होगी वहाँ पे। तो हम आपके माध्यम से जनता से ये अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो वहाँ पे प्रोग्राम है, रैली है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। मैं इतना ही कहते हुए मीडिया बंधुओं को भी बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग जो हमारी बात जो है सरकार तक पहुँचाते हैं। और दूसरा एलजी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपका और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं उनका भी कि इन्होंने जो हमारी बात को सुना, संत समाज का भी, क्योंकि संतों ने भी इस छुट्टी के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसका भी बड़ा प्रभाव पड़ा है। तो मैं ज़्यादा न कहते हुए हमारे बड़े साथी अभी बोलने वाले इतना ही बोले, जय हिंद जय भारत। सारे ही पता है कि साढ़े जम्मू वासियों से बहुत ही बड़ा सौभाग्य का दिन होया कि 23 सितंबर की सानू जिहड़ा है छुट्टी मिली गई है। और छुट्टी की जिहड़ी जद्दोजहद ही जिहड़ी जम्मू तो स्टार्ट होई ही, राजपूत सभा ने जिहड़ी छुट्टी का मतलब ललकारा दिता है कि सानू छुट्टी चाहिए है। और मैं ये चाहना कि सारी जाति पाती जात पात बरादरी की छड़िए सारे जने एकजुट होइए 23 सितंबर की कठुआ के रामलीला ग्राउंड के मेरे सारे भरा पार्टी पार्टी की छड़िए एकजुट होइए, क्योंकि एक मैसेज देना चाहते हैं अं सारे कि जोड़े 70-75 साल के अं पिछड़े लोग हे, सानू सारे को पहले जी आज़ादी है वो सानू आज़ादी हूँ महसूस हो रही है, क्योंकि साढ़े राजा जी का जिस तरीके का नाम मिटाया गया हा वो ना हूँ उजागर होया। 23 सितंबर जी सू छुट्टी दी गई है, मैं सारे कठुआ ने आखना एकजुट होइए 23 सितंबर की रामलीला ग्राउंड के आओ और सारे जने वह जश्न मनाइए, महाराज जी का गुणगान करिए और सारे जने उस दिन रोटी का प्रोग्राम भी है, सारे रोटी का प्रोग्राम करिए। जय हिंद, जय भारत, जय डुग्गर।